एआई का जमाना आ गया भाई साहब, अब आप चाहो तो वॉइस एआई की ले लो, वीडियो एआई से बनवा लो, इवन स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से लिख के बिना कुछ करे भी सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हो। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास बिंदास काव्य और क्रेजी दीप के बारे में एक बिंदास न्यूज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको पता ही होगा कि क्रेजी दीप का एक रोस्ट वीडियो आने वाला था बिंदास काव्य के ऊपर, और वो आ चुका है। क्रेजी दीप ने बिंदास काव्य को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट किया है, तो मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हो। का जमाना आ गया भाई साहब, अब आप चाहो तो वॉइस एआई की ले लो, वीडियो एआई से बनवा लो, इवन स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से लिख के बिना कुछ करे भी सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हो। लेकिन एक अंकल है जो एआई से भी एडवांस थे, आज से सालों पहले ही अपनी सगी बेटी को स्क्रिप्ट देना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डाल के पैसे कमाना। अब देखो, अपने घर के बच्चों के ऊपर वीडियो बना के पैसे कमाने वाले लोग तो वैसे भी बहुत है, क्यों जोशी साहब। लेकिन देखो भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये चीज गलत है, लेकिन अपनी एक अंडर एज लड़की, छोटी बालिका के इस तरीके के थंबनेल्स बनाना या ऐसे वीडियो शूट करके पैसा कमाना क्या सही है? और तो और, अंकल जी अपनी बेटी के अकाउंट से पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्वीट भी करते हैं, जिससे हो सकता है कि उसकी लाइफ और करियर डेंजर में आ जाए। और यही रीजन है कि आज मैं क्रेजी दीप आपको कॉल आउट कर रहा हूं।